Assalamu alaikum, my dear students, and good morning to all of you. So today I am going to discuss heat engine. So heat engine क्या है? इन अगर आप day to day life में देखोगे, आपकी जो गाड़ियाँ होती है, सारे automobiles, अगर पूरी industry देखोगे, that the core part of that industry is heat engine. तो अभी तक usually हम क्या देखते हैं? Petrol engines, डीजल इंजन्स, दे आर एक्चुअली हीट इंजन्स. इज दैट क्लियर? तो दैट इज द सेकेंडरी थिंग, वेदर दे आर दैट इज टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक, दैट इज द सेकेंडरी क्वेश्चन. कभी इंशाल्लाह टाइम आएगा, आई विल डिस्कस व्हाट टू स्ट्रोक फोर स्ट्रोक मीन्स, व्हाट MPFI मीन्स. तो वो अलग कुछ टर्म्स हैं. तो फिलहाल मैं इतना बताना चाहता हूँ कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अगर कोर पार्ट देखा जाए, दैट इज हीट इंजन. तो व्हाट हीट इंजन इज, ये क्या है? हीट इंजन अगर हम बेसिकली देखा जाए, इट इज एक्चुअली अ डिवाइस. इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स हीट एनर्जी into mechanical energy. Okay? तो ये एक बेसिक डेफिनेशन है. लेकिन अगर हम आप डेप्थ में बेटा इस हीट इंजन को पढ़ेंगे, तो आपको बाद में पता चलेगा कि ये किस कंडीशन के तहत हो रहा है, क्या पूरी हीट मैकेनिकल में यहां कन्वर्ट हो रही है, वो सारा कुछ मैं यहां पे एक्सप्लेन कर लूंगा. तो पहले बेटा आप ये समझो कि इसके एसेंशियल पार्ट्स क्या होते हैं. व्हाट आर द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ हीट इंजन? याद रखोगे बेटा, इसमें एसेंशियल पार्ट्स की बात अगर की जाए, पहला जो एसेंशियल पार्ट है, दैट इज सोर्स. ओके, सोर्स का मतलब बेटा देखो, हीट इंजन को तो हीट लेनी है ना कहीं से. तो सोर्स वो है जहां से ये हीट, जहां से इस इंजन को हीट प्रोवाइड हो रही है. सो सोर्स ऑब्वियसली इट इज कैप्ट एट, इट इज मेंटेनड एट हाई टेम्परेचर. ठीक है बेटा, इट इज मेंटेनड एट हाई टेम्परेचर. और दूसरा पार्ट बेटा जो इसमें होता है, दैट इज वर्किंग सबस्टेंस. वर्किंग सबस्टेंस क्या है? यू नो दिस पार्ट इज कंसिडर्ड टू बी द कोर पार्ट ऑफ हीट इंजन. ये कोर हिस्सा है, ये हीट इंजन का कोर पार्ट है, मेन हिस्सा है. वर्किंग सबस्टेंस क्या करता है? देखो बेटा, सोर्स हीट देता है. ठीक है बेटा, सोर्स किसको हीट दे रहा है? सोर्स किसको बेटा हीट दे रहा है? वर्किंग सबस्टेंस को. ठीक है, सो सपोज Q1 अमाउंट ऑफ हीट is absorbed by the working substance. Is that clear? Now ये working substance क्या? अगर बोलोगे सर heat engine में कौन सा part working substance है, तो बेटा वो सीधे है cylinder का अंदर का हिस्सा जिसमें pistons लगे हैं. तो वहां जब heat generate होती है, वो piston क्या करते हैं? They move upwards and downwards. तो this is the core part of the heat engine. Working substance ही वो हिस्सा है जो वहां से उसको हीट मिलती है, वो उसको किस में कन्वर्ट करता है? मैकेनिकल में. क्योंकि जब भी इंजन में आग लग जाती है, तो वहां क्या होता है, वो जो पिस्टन्स होते हैं, दे गो अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, दे मूव टू द टॉप डेड सेंटर एंड देन दे गो टू द बॉटम डेड सेंटर. तो अपवर्ड्स डाउनवर्ड जो जा रहे, तो मेन हिस्सा जो है इंजन का वो क्या है? दैट इज द सिलेंडर, दैट इज द पिस्टन.
तो जैसे किसी में टू सिलेंडर, थ्री सिलेंडर गाड़ी होती है, चार सिलेंडर, तो दैट इज द वर्किंग सबस्टेंस। सो वर्किंग सबस्टेंस इज कंसिडर्ड टू बी द कोर पार्ट। यही वो हिस्सा है जो इस हीट को किसमें कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल में। तो क्या होता है बेटा, इट कन्वर्ट्स दिस क्यू, यस, ये इसको किसमें कन्वर्ट करता है, वर्क यानी कि मैकेनिकल एनर्जी में। लेकिन ये पूरी की पूरी हीट को W में कन्वर्ट नहीं कर पाता है। ये मान लो इसने कुछ हिस्सा कन्वर्ट किया, लेकिन कुछ ना कुछ हीट इसको बेटा जरूरी जरूरी किसकी ओर रिजेक्ट करनी पड़ती है, टू द सराउंडिंग्स, और वहां पर एक और रिजर्वायर लगा होता है बेटा, नोन एज सिंक। नोन एज व्हाट? सिंक, विच इज मेंटेन्ड एट लो टेम्परेचर। इज दैट क्लियर? ये क्यों नहीं सारी हीट को कन्वर्ट करता है? एक रीजन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा कि एक इंजन के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो सारी की सारी हीट को किसमें कन्वर्ट करे, मैकेनिकल में। इट इज इम्पॉसिबल फॉर ए डिवाइस टू कन्वर्ट द एंटायर हीट एनर्जी इंटू मैकेनिकल वन। लेकिन फिलहाल यहां पे क्या रीजन हम बता सकते हैं? देखो बेटा, अगर ये सारी हीट एब्जॉर्ब ही करता जाए, कुछ हीट सिंक की ओर रिजेक्ट नहीं करेगा, तो वर्किंग सबस्टेंस का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। जब वर्किंग सबस्टेंस का टेम्परेचर बढ़ेगा, एज ए रिजल्ट सोर्स और वर्किंग सबस्टेज विल कम, द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड द टेम्परेचर ऑफ द वर्किंग सबस्टेंस विल बिकम इक्वल। एंड यू नो व्हेन देयर इज नो टेम्परेचर डिफरेंस देयर विल बी नो फ्लो ऑफ हीट, सो वर्किंग सबस्टेंस विल एब्जॉर्ब नो मोर हीट फ्रॉम द सोर्स। तो सोर्स से ये कब हीट ले रहा है? जब वर्किंग सबस्टेंस का टेम्परेचर लो है। वो कब लो होगा? जब कुछ हिस्सा वर्क में कन्वर्ट करे और जो बच गया, जिसको ये कन्वर्ट नहीं कर पाया, उसको किस में फिर भेजा इसने? सिंक की ओर। समझ आ रहा है? सो वर्किंग सबस्टेंस कन्वर्ट पार्ट ऑफ द हीट एनर्जी इनटू वर्क, एंड जिसको ये कन्वर्ट नहीं कर पाया, मैंने अभी बताया सेकंड लॉ की यही स्टेटमेंट है जो फर्स्ट लॉ हमें नहीं बताता था, कि पूरी की पूरी हीट एनर्जी आप कभी भी मैकेनिकल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो सराउंडिंग पे कोई ना कोई इफेक्ट डालना चाहिए। समझ आ रहा है? क्यों है वो बाद में सेकंड लॉ में मैं पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल आप याद रखो, इस हीट इंजन ने क्या किया, Q1 हीट एब्जॉर्ब की, W वर्क की, और Q2 जो बच गई उसको रिजेक्ट किया टू द रिजर्वायर, मेंटेन एट लो टेम्परेचर नोन एज सिंक। जैसे आप डालते हो कूलेंट, डालते हो कूलेंट, क्या करता है वो सिंक को लो टेम्परेचर पे मेंटेन रखता है, तो वहां ही फिर जो एग्जिट होता है, जो वर्किंग सबस्टेंस से एक और एक्सटेंशन निकलता है जो रिजेक्टेड हीट को फिर भेजता है टुवर्ड्स सिंक। सो आप मुझे इस तरीके से, इस डायग्राम से हीट इंजन को समझाओ। सो व्हाट हीट इंजन इज? इट इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स, यस, मैकेनिकल एनर्जी, सॉरी, हीट एनर्जी इंटू मैकेनिकल वन बाय रिजेक्टिंग पार्ट ऑफ इट टू द सिंक। So without, it is not possible to convert the heat energy into mechanical one without rejecting part of it to the sink. So कुछ ना कुछ हिस्सा हीट का, ये कि जैसे 10 जूल एब्जॉर्ब की, 6 की वर्क की, 4 जरूरी किसकी ओर जानी चाहिए, सिंक की ओर। अगर इसने वो 4 जूल अपनी जगह रखा, इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, द स्टेज विल कम एंड द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड द टेम्परेचर ऑफ द वर्किंग सबस्टेंस विल बिकम इक्वल। फिर कौन सा फ्लो होगा? फ्लो तब होता है ना जब टेम्परेचर डिफरेंस हो। शाबाश। सो व्हाट आर इट्स एसेंशियल पार्ट? सोर्स, वर्किंग सबस्टेंस एंड सिंक। एंड विच वन ऑफ देम इज द कोर पार्ट? वर्किंग सब। यही वो हिस्सा है जो हीट को किसमें कन्वर्ट करता है? मैकेनिकल में। मैंने बताया हीट इंजन में कौन सा हिस्सा है? ये है सिलेंडर। ओके, नाउ इसका बेटा, इसकी एक और एफिशिएंसी जो है वो हम एक्सप्लेन करेंगे। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? आप कभी बताते हो वो बंदा बहुत एफिशिएंट है। एफिशिएंसी का मतलब यही हुआ कि अगर वो इनपुट दे रहा है, लेकिन अगर आप वो कम भी इनपुट देता है, लेकिन उसको वो आउटपुट बहुत ज्यादा देता है। जैसे मैं घंटे में या दिन में 1 घंटा पढ़ रहा था, लेकिन आई गॉट 90%। कोई बंदा दिन में 10 घंटे पढ़ रहा है, he also got 90%. Which one of them is more efficient? The one which has what? Less input.
या जिसने कम इनपुट दिया वो ज्यादा एफिशिएंट है। सो क्या मैं कह सकता हूं एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन वी रिप्रेजेंट इट बाय ईटा। सो एफिशिएंसी इज आउटपुट कितना दिया हीट इंजन ने और आपने उस हीट इंजन को कितना इनपुट दिया था। चलो बताओ बेटा आउटपुट का मतलब क्या हुआ, हीट इंजन का मकसद क्या है W। सो आउटपुट इज वर्क ओके डिवाइडेड बाय इनपुट क्या मिला, वर्किंग सबस्टेंस ने क्या लिया था, इनपुट ली थी ना हीट, कहां से ली थी सोर्स से। सो W बाय Q1 इज द एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन। लेकिन आप मुझे बताओ ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है अकॉर्डिंग टू द लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी विल रिमेन कॉन्स्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ आप मुझे बताओ, वर्किंग सबस्टेंस के सामने आप एनर्जी को बैलेंस करो, एनर्जी बैलेंस करो, कितनी हीट वर्किंग सबस्टेंस ने ली है Q1। सो टोटल इनपुट इज Q1 इज इक्वल टू बाहर क्या क्या हीट गई है, इस Q1 को क्या क्या हो गया है W प्लस और क्या हुआ है Q2। कैन आई राइट इट लाइक दिस, हीट आपने Q1 दी है वो कहां कहां गई W में और Q2 में। सो आई कैन राइट Q1 इज इक्वल टू W प्लस Q2। जैसे 10 जूल दिया यहां अगर 4 गया ये हो गया 6, 10 इज इक्वल टू 4 प्लस 6। सो Q1 किसके बराबर मैंने लिखा W प्लस Q2। सो यहां पर बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूं, सो W W यहां किसके बराबर आएगा बेटा Q1 माइनस Q2। ठीक है बेटा शाबाश। सो बताओ बेटा फिर एफिशिएंसी जो है, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन जो है, कितना हीट इंजन कितना एफिशिएंट है, वो आउटपुट W है, W के बदले क्या लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2 होल डिवाइडेड बाई, बोलो बेटा इनपुट क्या है Q1। सो आई विल सिंपलीट इट, Q1 बाय Q1 इज 1 माइनस Q2 बाय Q1। सो बेटा ये निकली एफिशिएंसी, इज दैट क्लियर। अगर परसेंटेज में एफिशिएंसी देखनी है तो आप क्या करोगे, यू विल मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 100%। सो आप ऐसे लिखोगे नीटा इन परसेंटेज इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाय Q1 इंटू 100%। इज दैट क्लियर, ए वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। नाउ आप यहां से देखो, मैं चाहता हूं कि मेरा इंजन 100% एफिशिएंट बन जाए, तो फॉर नीटा टू बी 100%, आप मुझे बताओ नीटा को 100% होने के लिए ये वान रहना चाहिए, Q2 क्या बनना चाहिए जीरो, ये टर्म जीरो बननी चाहिए तभी ये 100% आएगा। दैट मीन्स Q2 शुड बी जीरो, व्हाट Q2 जीरो मीन्स दैट इज नो हीट should be yes rejected to the sink, to the sink। क्या बेटा वो पॉसिबल है, अगर आप चाहते हो आपका हीट इंजन 100% एफिशिएंट हो तो हीट कितनी जानी चाहिए सिंक की ओर, कितनी हीट वर्किंग सबस्टेंस रिजेक्ट करना चाहिए, कुछ भी नहीं। लेकिन ऐसा पॉसिबल है नहीं, क्यों, क्योंकि जो हीट यहां वर्क में कन्वर्ट हो गई अब जो बच गई उससे इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। अगर इसने उस हीट को रिजेक्ट नहीं किया इस वर्किंग सबस्टेंस का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और स्टेज एक ऐसा आएगा जब ये सोर्स से कोई हीट नहीं ले पाएगा, जब सोर्स से कोई हीट नहीं मिलेगी तो ये हीट इंजन काम करना छोड़ देगा। सो इसीलिए Q2 कैन नॉट बी जीरो। और भी एक मैंने चीज बताया कि Q2 Q0 नहीं हो सकता, क्योंकि एक इंजन के लिए दुनिया में यूनिवर्स में कोई भी मशीन ले लो उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो सारी की सारी हीट को किसमें कन्वर्ट करे, वर्क में। कुछ ना कुछ हीट वो छोड़ता है जिसको वेस्ट हीट कहते हैं, तो वो हीट कहां जाती है, दैट इज रिजेक्ट, दैट मस्ट बी रिजेक्टेड टू द सिंक। सो दैट्स व्हाई हीट इंजन कैन नॉट बी 100% एफिशिएंट। थैंक यू सो मच, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस वन मोर पार्ट ऑफ इट, दैट इज हीट पंप, और वी कॉल इट एज रेफ्रिजरेटर। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।